तो नजर चाहिए नजर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जहां, घर नहीं चाहिए लेकिन मुंबई में एक 3 BHK जरूर चाहिए। ए, ये बकवास कहीं और जाके कर। अच्छा हाँ, तू यहाँ पर खड़ा होकर करे, मैं कहीं और जाके करूँ? अरे गुस्सा मत हो यार, ये बता यहाँ आया क्यों है? मैं तुम जैसे छोटे मोटे भिखारियों को ना बड़ा भिखारी बनने की ट्रेनिंग देने आया हूँ। अरे ओ, ये मिंटू ऑलरेडी खानदानी भिखारी है, इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं है, जरूरत है। अरे भाई बता ना, कैसे बड़ा भिखारी कैसे बनते हैं? ओके, तो बड़ा भिखारी बनने के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, करूंगा। पहला रूल ये है कि अगर आपको कोई 100 रुपए दे तो 10 रुपए रखकर ना बाकी के 90 रुपए उसे वापस कर दो। क्यों? कि अगर पूरे दिन की कमाई एक बार में ही हो जाएगी तो पूरे दिन क्या करोगे यार, है? अरे अगर फिर भी हमको कोई कहे कि तुम तो कहीं से लाचार नहीं दिख रहे, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो हाँ, तो भाई उनको बोलो ना, ये हमारा काम है। माई काम इज माई पैशन, शक ऑफ। भाई सच का खानदानी भिखारी लगता है ये। सर मैं तेरे टैलेंट को देखकर ना तुझे एक नसीहत देने का दिल कर रहा है। दो, जब भी कभी तू भीख मांगे ना तो सुश्री लियोनी जी की तस्वीर मैं लेके आया हूँ, इनकी तस्वीर ना साथ में रखा कर, फील्ड चाहे जो भी हो, ग्लैमर का होना ना बहुत जरूरी है। अरे इसकी सिर्फ तस्वीर दिखा के इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं भाई, मैं तो 2 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो वीडियोस हैं। यार एक बात बता, इतने पैसे इकट्ठे करके हमें करना क्या चाहिए फिर? Well, ये सोचने की बात है, इतना पैसा कमा कर तुम एक चौराहा बनाओ। चौराहा? अरे चौराहा क्यों भाई? चौराहा बनाओ और वहां पर तुम दोनों दिन रात सुबह दोपहर शाम 24 घंटे खड़े होकर भीख मांगो। आइडिया ही अपना चौराहा, क्योंकि तुम दोनों की जैसी शक्ल है, तुम भिखारी के अलावा कुछ तो बन नहीं सकते। ए, चल निकल यहाँ से, हमारा शो खराब कर रहा है। चल हाँ, जा रहा हूँ ना। मुझे पता है तुम दोनों को ना भीख मांग कर ये शो मिला है, मुझे बोलना मत हाँ, मेरा टैलेंट की वजह से मुझे शो मिला, भिखारी कह के मुझे भगा रहे हो। जा रहा हूँ मैं, देखना मत मुझे, मैं बोल रहा हूँ मुझे घूरना मत। जाना देंगे, ये क्या है 1.5/2। अबे सीधा जा। वैसे यार मुझे इसको देख कर ना एक भिखारी की याद आ गई। अच्छा, तेरे को नहीं मिला था? इससे एक भिखारी पूछ रहा था कि भैया 1 रुपया दे दो मैं खाना खाऊंगा। इसने कहा 1 की जगह 2 ले ले, लेकिन पहले ये तो बता 1 रुपये में खाना मिलता किधर है? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। यदि आपको भी पता है 1 रुपये में खाना कहाँ मिलता है तो प्लीज हमें जरूर बताइए, क्योंकि विकल्प जैसे किसी आदमी का भला हो जाएगा। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना जो अंग्रेजी पिएंगे, हम तो देसी है, देसी पिएंगे। ले, तेरे लिए भी है। देसी नहीं पी सकता, मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। छोटू, अरे शाम। यस सर। वो कुछ लोग मिलने आने वाले थे मुझे, पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, अरे चाचा क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।